हाँ, 7-8 साल जॉब किए मैंने आईटी कंपनी में। अच्छा, उसके बाद ये अपना कार्ड लगाया। हाँ, जॉब छोड़ के फिर ये अपना काम स्टार्ट करने का सोचा कि छोटे से ही शुरुआत करते हैं, चाहे छोटे से करो। तो मैम, आपके हस्बैंड जो है कब एक्सपायर हुए थे? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। तो मैम, उससे पहले भी आप जॉब करते थे क्या? अभी से जॉब करना? 7-8 साल बोला ना मैंने उनको, 1.5 साल ही हुआ अभी। अच्छा। उनके सामने से जॉब कर दी थी। पहले से ही आप जॉब करते थे, फिर आपने अपना काम करने की सोचा। अच्छा, ये भी ठीक है। बच्चों के लिए कुछ करना है तो कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा ना। हाँ, सही बात है। प्राइवेट जॉब तो प्राइवेट जॉब ही होती है। अब बच्चों को जब मुझे ही देखना है सारा कुछ, तो मैंने सोचा कि जॉब में तो कुछ हो नहीं पाएगा, अपना काम शुरुआत तो छोटे से करो। हेलो मैम। हेलो मैम, आपका नाम? शिखा। शिखा, शिखा गहलोत। तो मैम, आप कब से लगा रहे हो यहाँ पे? 1 मंथ हो गया मुझे। 1 महीना हो गया आपको? हाँ। तो क्या क्या मिलता है अपने पास? बस बर्गर है, सैंडविच है, फ्रेंच फ्राइज, मैगी और चाय। चाय? हाँ। तो मैम, सैंडविच बना दीजिए। बना नहीं सैंडविच। कौन सा वाला है? जो आपको अच्छा लगे वो बना दो। बढ़िया सा। मैम, इतना मेहनत करते हो आप यहाँ पे, अकेले लगाते हो? हाँ। पूरी कार्ड अभी तो काम हो जाता है यहाँ पे ठीक ठाक? अभी तो 1 महीना ही हुआ है, अभी तो टाइम लगता है ना जमने में भी काम को। अच्छा। हाँ, वो टाइम तो थोड़ा टाइम लगता। हाँ, लेकिन रिस्पांस अच्छा आ रहा है लोगों का। हाँ, चीज़ अच्छी दोगे तो बढ़िया रिस्पांस आएगा। तो इसमें क्या क्या होता है मैम? इसमें क्या क्या डालते हो? इसमें वेजीज हैं और मेयोनीज है, तंदूरी मेयोनीज है, वेज मेयोनीज है और मसाले हैं। मसाले? तो ये माल सारा आप अपने घर पे अपने हाथों से तैयार करते हैं? ये सारा मैं घर से प्रिपेयर करके लाती हूँ। किस टाइम आते हो यहाँ पे लगाने के लिए? वैसे तो मैं 2-2.5 बजे आ जाती हूँ। जी, फिर आज लेट हूँ। हाँ जी, क्या? तो आज लेट आए हो आप। हाँ, आज लेट हो गई मैं। तो मैम, आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? हस्बैंड है नहीं? है नहीं हस्बैंड? ही इज नो मोर। अच्छा, और बच्चे? बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं मैम? 2 बच्चे हैं। तो वो पढ़ाई करते होंगे? हाँ, बेटा मेरा नीट की तैयारी कर रहा है, 12th हो गई है उसकी। अच्छा। बेटी 9th के एग्ज़ाम दे दिए उसने। अच्छा, तो मैम आपकी एज कितनी होगी? एज नहीं पूछते ना लड़कियों की। एज नहीं पूछते? एज नहीं पूछते। अच्छा, कोई भी लड़की एज क्यों नहीं बताती अपनी? नहीं बताती, उनका अपना रीज़न होता है। अच्छा, जैसे लड़कों लड़के सैलरी नहीं बताते अपनी। हाँ जी हाँ, ऐसे लड़कियाँ एज नहीं बताती। ये बात ठीक है। हो जाएगा, मुझे लगता है कि हो जाएगा। देखो मैम, अच्छी क्वालिटी की चीज दोगे तो क्वालिटी में तो कोई वो नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं है क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी का एक नंबर मिलेगा। सारा काम है, देखो अगर अच्छी क्वालिटी होगी तो सब गिरा जो क्वालिटी में, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्वालिटी एक नंबर है। जी जी। तो ये हमारे लिए बनाया मैम? हाँ, आपका ही है। हो गया रेडी। तो मैम, अगर किसी को आना हो यहाँ पे खाने के लिए तो कहाँ पे आए? विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1। ये हो गया रेडी सैंडविच। कितने का है? कितने का है मैम ये सैंडविच? ये 60 का है, चीज़ वाला। 60 रुपीज का चीज़ वाला। स्टार्टिंग 35 से है, जो वेजीज वाला है। 35 से स्टार्टिंग है? ठीक है मैम, ओके, थैंक यू।